दोस्तों, यह है मेरा सलाइवा जिसे अभी मैंने कलेक्ट किया है अपने माउथ से। जब भी आप कुछ डिलीशियस फूड खाते हो या कोई भी फूड खाते हो तो आप कहते हो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पानी आने का मतलब क्या है कि आपके माउथ में सलाइवा बन रहा है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, डेट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज हम इस सलाइवा से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं और देखिए इस पर मैंने एक पे लेबलिंग कर रखी है, एक मेरा खाली। दोनों में मैं ऐड कर रही हूँ स्टार्च। ये मेरे पास स्टार्च सॉल्यूशन बना हुआ है, मैं ऐड कर रही हूँ स्टार्च। करीब 5 ml के करीब मैं दोनों में स्टार्च ऐड कर रही हूँ। ये NaCl सॉल्यूशन, मैं NaCl सॉल्यूशन ऐड कर रही हूं। NaCl सॉल्यूशन स्टार्च की रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, इसको डिकम्पोज होने में सिंपली हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों में मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास है ये आयोडीन। आयोडीन के ऐड करते ही जो स्टार्च है वो कौन सा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। ये स्टार्च का कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक देता है। अब चूंकि दोनों में मैंने स्टार्च ऐड किया है तो देखेंगे कि दोनों में ही मुझे क्या मिल रहा है, ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है। अब दोनों में ही मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है क्योंकि दोनों में क्या मैंने ऐड किया है, स्टार्च ऐड किया है। आप देखिए दोनों में ये ब्लू ब्लैक कलर मिला है आयोडीन के ऐड करते, यानी दोनों में क्योंकि स्टार्च ऐड किया। अब ये जो मैंने सलाइवा कलेक्ट किया है, इस सैंपल ए में मैं ये अपना सलाइवा क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ये करीब मैंने अपना सलाइवा ऐड कर दिया है, जबकि इसमें मैंने कोई भी सलाइवा ऐड नहीं किया, इसमें मैंने अपना सलाइवा ऐड कर दिया है। अब ये जो सलाइवा के अंदर जो अमाइलेज एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे एक्टिव हो जाता है और स्टार्च को डिकम्पोज करने का काम। तो ये मैंने दोनों अपने टेस्ट ट्यूब को डाल दिया है इस बीकर में, जिसका टेम्परेचर मैं 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करूंगी और देखूंगी कि कितने समय में ये जो ब्लू कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर होगा? क्योंकि इसके अंदर सलाइवा है जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। और जैसे ही सारा स्टार्च कंज्यूम होगा ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। थैंक यू।